नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकी हीलिंग फॉर लाइफ में। मैं मनीष शर्मा, रिकी ग्रैंड मास्टर। दोस्तों आज हम लोग ये ऑरा मशीन के माध्यम से अवधूत हैं पुणे से, इनका ऑरा स्कैनिंग करेंगे और देखते हैं जो इनके चक्र हैं वो किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहला चक्र जो है वो है रूट चक्र, देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर और किस अवस्था में है। ये है रूट चक्र जो पृथ्वी तत्व होता है। तो पहला चक्र है ये बॉडी के अंदर, नीचे से ऊपर की तरफ जब चक्र हम लोग काउंट करते हैं तो ये पहला चक्र कहलाता है। दोस्तों यहां पर जो इनका ये रूट चक्र है ये ब्लॉक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका स्वस्थान चक्र, ये भी पृथ्वी तत्व के अंदर आता है और ये नीचे से सेकंड नंबर का चक्र होता है। देखते हैं सेकंड नंबर का चक्र जो है किस पोजीशन के ऊपर है इनके इसमें। दोबारा चेक करते हैं यहां पे स्वस्थान चक्र जो है इनका। सेकंड नंबर जो चक्र है वो भी इनका ब्लॉक है यहां पर। अब देखते हैं यहां पर हम लोग इनका थर्ड नंबर का जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। देखते हैं मणिपुर चक्र जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं मणिपुर चक्र को इनका। ये नीचे थर्ड नंबर है, पृथ्वी तत्व चक्र होता है ये। गुड, ये चक्र इनका ठीक है, बैलेंस में है। इसके बाद में हम देखेंगे इनका हार्ट चक्र, जो हार्ट चक्र है उसकी पोजीशन क्या है यहां पर। ये हार्ट चक्र है, देखते हैं क्या पोजीशन पे है यहां पर। एक बार दोबारा चेक करते हैं हार्ट चक्र को, क्या पोजीशन है इनकी यहां पे हार्ट चक्र की। इनका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है। अब हम देखते हैं इनका थ्रॉट चक्र जो है वो कैसा है यहां पर, उसकी पोजीशन क्या है। एक बार दोबारा देखते हैं यहां पर इनके तो थ्रॉट चक्र है उसकी पोजीशन क्या है यहां पर। यहां जो इनका थ्रॉट चक्र है दोस्तों वो काफी ओवर एक्टिव है। अब देखते हैं इनका जो थर्ड आईज है उसकी पोजीशन यहां पर क्या आ रही है।
एक बार दोबारा देखते हैं थर्ड आइज के लिए इनका। गुड, एक बार और चेक करते हैं जरा। ठीक है, थोड़ा इनकी बैलेंस्ड है। फिर देखते हैं इनका क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है। एक बार दोबारा देखते हैं। क्राउन चक्र इनका ब्लॉक है। अब देखते हैं दोस्तों इनके लिए कलर कि कलर ये कौन से यूज करें अपने लिए जो इनके लिए बढ़िया होगा। पहला देखते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर इनके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ब्लू कलर ये पहन सकते हैं दोस्तों। ये जो हीलिंग्स होती हैं ये अलग तरीके से होती हैं। साउंड हीलिंग होती है, डिस्टेंस हीलिंग होती है, कलर हीलिंग होती है, वाटर हीलिंग होती है और अनेक प्रकार से हीलिंग की जाती हैं जिनसे चक्र को दूर रह के भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं रेड कलर। जो रेड कलर है वो किस पोजिशन पे है, अगर ये यूज करते हैं तो इनके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, अच्छा है रेड कलर इनके लिए। किसी भी चक्र की एनर्जी बढ़ना या कम होना अपने आप में एक समस्या को लेके आता है, बट कोई भी चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हीलिंग के माध्यम से हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से वो ठीक हो सकता है। अब देखते हैं इंडिगो कलर कैसा रहेगा इनके लिए। गुड, अच्छा है, इंडिगो कलर भी यूज कर सकते हैं ये। फिर देखते हैं दोस्तों येलो कलर। येलो कलर कैसा रहेगा इनके लिए। येलो कलर इनके लिए काफी अच्छा है, इन्हें ज्यादा यूज करना चाहिए येलो कलर अपने लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो हम लोग हीलिंग करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप पास हो। जैसे ये पुणे से हैं तो दूर में भी हीलिंग का असर उतना ही होता है जितना कि आप सामने बैठ के हीलिंग का असर लेते हैं। अब देखते हैं वायलेट कलर कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोटो के माध्यम से भी उतना ही परसेंटेज में बताता है लोगों के बारे में जितना कि आप सामने बैठ के यदि ओरा स्कैनिंग कराते हैं तो आपके बारे में बताएगा। दोस्तों वॉयलेट कलर भी इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा अपने लिए यूज करना चाहिए, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। येलो कलर वॉयलेट कलर दोनों बहुत ही अच्छी परसेंटेज पे है इनके लिए। बाकी और कलर जो है वो भी सही है, पहन सकते हैं ये। फिर देखते हैं हम लोग ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है वो इनके लिए कैसा रहेगा।
ठीक है, ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली है इनके लिए। अब दोस्तों हम यहां देखते हैं इनका ऑरा, जो इनका ऑरा है वो किस प्रकार का है। ऑरा जो है वो व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा असर रखता है अपनी लाइफ के लिए। देखते हैं यहां पे इनका ऑरा जो है वो किस प्रकार का है। दोस्तों इनका जो ऑरा है वो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब ना ही है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इनका जो ऑरा है दोस्तों वो ब्लॉक है यहां पर। दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर हम एक ब्लैक मैजिक, ये थोड़ा मैं कम देखता हूं, बट जहां पर चक्र इतने ज्यादा अनबैलेंस दिखते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये नजर दोष के अंदर देखा जाता है कि भाई ये जो बच्चा है इस पर कोई नजर दोष तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है इसके लिए, या किसी भी तरह की कोई बाधा या कोई समस्या या परेशानी तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। ब्लैक मैजिक में इसमें इनके ऊपर कुछ नहीं दिखाता ऐसा कि इनको कोई उस तरह की परेशानी हो। एक दोस्तों इसमें मैं एक चीज और देखता हूं, जो हालांकि मैं बहुत कम लोगों के लिए देखता हूं, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि देखना चाहिए वहीं पर मैं इन चीजों को यूज करता हूं, स्प्रिट के बारे में है। तो यहां देखते हैं एक बार, कोई स्प्रिट के साथ में कोई कनेक्शन तो नहीं है इनका, तो वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चक्र अनबैलेंस है शायद इसीलिए, काफी ज्यादा चक्र इनके अनबैलेंस है शायद इसीलिए ये थोड़ा सा बेचैन है और परेशानी में है। बाकी दोस्तों यदि आप लोग भी चाहते हैं कि फोटो के माध्यम से अपना ऑरा स्कैनिंग कराना, जो कि बहुत ईजी है, आपने देखा और ये परफेक्ट चक्र की रीडिंग बताता है, इस तरीके से हम चक्रों को बहुत ही आसानी से हीलिंग देकर और अन्य तरह के उपाय कर चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, और इससे दोस्तों बहुत तरह की बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, जो डॉक्टर के हिसाब से भी कई बार पकड़ में नहीं आ पाती है या कई बार मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पाती है, वो चक्रों की हीलिंग से, ऑरा क्लीनिंग से और अनेक प्रकार के जो हीलिंग है उनको तरह तरह के करने से वो चीजें बहुत जल्दी इम्प्रूव और बहुत जल्दी अच्छी हो जाती हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपना ऑरा स्कैनिंग कराना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फोटो भेज सकते हैं और मुझसे अपना आप ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था ऑरा स्कैनिंग का, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग समस्या फेस कर रहे हैं वो भी अपना फोटो भेजकर उस समस्या से निजात पा सके और उसका वो एक अच्छा लाभ ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।